क्या आपको पता है कि किसी को भी जज करना कितना आसान काम है? इसी तरह उतना ही मुश्किल काम है किसी को समझना कि वो किस मुश्किलात से गुजर रहा है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक डॉक्टर भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है, और जैसे ही वो पहुंचता है हॉस्पिटल तो वहाँ पे एक जवान लड़के के अब्बा चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे ही डॉक्टर को देखते हैं फौरन बोलते हैं कि तुम्हें कोई शर्म नहीं है, मेरा बच्चा यहाँ इतनी क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा हुआ है, इतनी मुश्किलात में पड़ा हुआ है, और तुम इतनी लेट आ रहे हो। डॉक्टर जवाब देता है कि मुझे जैसे ही पता चला मैं वैसे ही अपने घर से निकल गया था यहाँ आने के लिए, और होपफुली अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसकी मदद कर सकूँ। लेकिन उस फादर के लिए इतना ये जवाब कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो उसने फौरन बोला कि अगर ये तुम्हारा बेटा होता तो क्या तुम जब भी इतनी देर से आते? डॉक्टर बिल्कुल सीरियस ही रहते हुए बोलता है कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ, होपफुली अब मैं अंदर जा सकता हूँ और आपके बेटे की हेल्प कर सकता हूँ। कुछ घंटों बाद वो डॉक्टर बाहर निकलता है हॉस्पिटल से, अपने ऑपरेशन थिएटर से, और बहुत तेज़ी से बस एंट्री एग्जिट की तरफ भागने लगता है। बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक रहा, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, और मैं जो है फ़ोन पर अवेलेबल होऊंगा, और जितने भी अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो आप नर्स से पूछ सकते हैं। और ये कहते कहते वो हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। और फिर जो फादर होता है वो सोचता है कितना बेगैरत इंसान है, इसके पास 2 मिनट नहीं है कि मेरे बेटे के बारे में जो मेरे सवालात हैं उसके जवाब दे सकता, या एटलीस्ट कुछ थोड़ी तसल्ली ही दे सकता मेरे बेटे के बारे में। इतनी देर में नर्स जो है ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है और वो सुन रही होती है चीज़ें, तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और वो बताती है कि जब हमने डॉक्टर कॉल की थी तो उस वक्त ये अपने बेटे के फ्यूनरल में थे, उसकी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे। जब हमने उसको बताया कि आपके बेटे को ज़रूरत है तो वो फौरन सब कुछ छोड़ गए, भाग के यहाँ आ गए थे, और अब जब उन्होंने आपके बेटे की जान बचा ली है तो अब वापस जा रहे हैं जितनी जल्दी हो सके ताकि वो उस फ्यूनरल को अटेंड कर सकें। इस चीज़ से जो हम समझ सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि आप किसी को कभी जज ना करें जब तक आपको उसकी सिचुएशन का सही से इल्म ना हो, या आप कुछ सिमिलर सिचुएशन से ना गुजरे हों आप उसको जज नहीं कर सकते। क्योंकि देखने वाले के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जो गुज़र रहा होता है उसके लिए वो चीज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो।